ये देखो भाई वॉशरूम में जा रहा है भाई इस वो तक हमको वॉशरूम जाना है। ठाकुर का नाम बाहर डॉग है तो उसको जा नहीं सकते हम, क्योंकि वो बहुत खतरनाक सा है। तो इसको वॉशरूम जाने के लिए पहले ठाकुर को उठाना पड़ता है, वो भी खराटे वाला था, उसे नींद से उठा दिया उसने। ठाकुर तेरी नींद खराब कर रखी भाई उसने। Hey guys, I'm Nikhil and this is my vlog. Today I'm going to meet my best friends again. अगेन आफ्टर आई थिंक 1 or 1.5 years. तो अभी हम लोग देहरादून आए हैं, मेरे साथ रोहन भी है। रोहन अभी मेरे कैमरे में नहीं आ रहा है। अब बहुत बढ़िया सी एंट्री करते हैं तेरी। सो गाइस, मेरे से व्लॉग में एक फेमस सेलिब्रिटी है, सैंडी। सो इफ यू गाइस डोंट नो अबाउट अभिषेक एंड सक्षम, दे आर माय स्कूल बेस्ट फ्रेंड। जब हम लोग 6th क्लास से हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पहले भी व्लॉग में आ चुके हैं। और इन दोनों से फनी इंसान मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे और ना आई थिंक मेरे को मिले भी हैं कभी। सो वी आर गोइंग टू मीट एंड सरप्राइज देम। सक्षम के घर में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, मैं रोहन आया हूं। आप ठीक आ रहे हो? घर पे नहीं हुआ तो उसको कॉल करना पड़ेगा, क्या कुत्ते भी होते हैं, थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। सक्षम दिल में तो हो, लेकिन क्या बोलते उसे, कभी मिल भी जाया करो दिल के अलावा, बाहर भी आ जाया करो कभी। भाई मैं तो क्या बोलते दिल्ली हूँ मैं, अभी विकास नगर क्यों आऊंगा मैं तुझे बताया था अभी आऊंगा थोड़ा लेट। तू क्यों देहरादून क्या कर रहा है तू? तो गाइस सिंगल हो चुका हूँ प्लीज, मतलब थोड़ा अगर जैसे कोई है कमेंट कर लो प्लीज, मतलब अगर आपके दिल में कुछ इच्छा वगैरह, जो मेरी क्रेडिट भी की किस्त चल रही थी पूरी भरती मैंने। अब मैं बहुत रईस हो गया हूँ, मेरी चैन का है, अब मैं रईस हो गया, गोल्ड की चैन में बहुत रईस हो गया हूँ, सिल्वर है, व्हाइट गोल्ड है, सॉरी व्हाइट गोल्ड है। तो भाई देखो पैसा तो लड़के खूब है, अगर कोई पसंद आ जाए तो बता देना, बट इज सक्षम यू नो गाइस। यस, और तो भाई आता नहीं हमारे व्लॉग में, साल सालों बाद हमारे व्लॉग में आते हैं। अगर मैंने यूं करके वो मेरी डिटेल आ जाएगी, ये मेरी डिटेल रही। वैसे तो मैं सरप्राइज देने वाला था, हाँ, पर वो सरप्राइज इसे ही मिल गया गाइस, ये मेरे घर पैदल पहुंच गया, मैं देहरादून पता है गाइस घर। बाकी अभी तुम्हें एक और से मिलाते हैं, वो तो उसकी बहुत बहुत मतलब उसकी उसकी भी एक्स छोड़ के चली गई उसकी, और बल्कि ये बात वो बाद में देखेगा व्लॉग में, उसकी एक्स छोड़ के चली गई और उसका बच्चा हो गया। उसके लड़का हुआ है गाइस। तुम्हें सक्षम से तो तुम मिल गए, अब अकेले के बच्चे से मिलो गाइस, पीछे कर पीछे। अब नया दोस्त मिलेगा ठाकुर, जो पहली बार नहीं यार आ चुका है, आ चुका है। और गाइस तुम समझ, जो मैंने आपको बोल रहा था ना, जिसके पाइल्स वो यही है ये गाइस, यही है ठाकुर है ये, हेलो गाइस ठाकुर, चल दिखा आपको बता रहा था जो अभी छू जो मैं आपको एक चीज बता रहा था, क्या बोला कर, मैं तो इसके साथ बंद घूमना बंद कर दिया था, मैं परेशान हो गया था इससे। अब ये भी आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मेरा दोस्त है पॉर्श एरिया में रहता है, पॉर्श एरिया देखा ना, किचड़ दिखाया किचड़ दिखाया, ये देखो भाई ये नीचे किचड़ है, तुमने तुमने इसकी गली नहीं दिखाई अभी तक। सुबह जब मैं बात कर रहा हूँ अभी, अब मेन सीन सुन, जैसे उठते हैं तो इनके फादर जी मतलब जॉब बहुत अच्छे आदमी, मतलब सुबह उठते हैं ग्रीन टी पीते हैं और फिर न्यूज पेपर लेके ऐसे करके पैर में लगे, और मतलब सब न्यूज पेपर में, मतलब इसके बाप की प्रॉपर्टी थी मैं स्कूल में, हाँ। मैं पास नहीं कराता था, तो मेरी बात तो सुन ले, मतलब हाँ, और इसके ब्लॉग बना रहे हैं, भड़ास निकाल रहे तुम गाड़ी रोके ना चलो, आ ना 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 मजा आता है, पैसे दे पहले, अरे पैसे दे आज से ना, जिसने बोला था अनएक्सेप्टेड, डेथ इज अनएक्सेप्टेड, इसका हिंदी में अनुवाद होगा, ये भी देखो पल को जियो, शेर को भी लेकर आ रखा है, मौत का कुछ पता नहीं क्योंकि मौत जो है अस्वीकार है, देखिए बगल से जा रही। ये तो सबसे बड़ी मौत है, खैर भाई जी चटनी भी नहीं मिलनी। जिंदगी बेवफा है जाना मगर, ये सारे आशिक है भाई। ये ठाकुर के दादाजी है, इनकी डेथ हो गई बेचारी की, सक्षम मजे ले रहा है इनके इनके दादा के, भाई मैं मजे ले रहा हूं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, इनके साथ मेरा उठना बैठना है। कल रात तो इसने कुछ कहा होगा इनके बारे में, तो सक्षम के सपने में आए थे, क्या कहते हैं तेरे सपने में आ गए? मेरे सपने में आए इनके दादा, मतलब इनके दादा नहीं, इसका दादा अभिषेक का दादा, तो उस समय मैं मर्सिडीज के सपने में था, वो मर्सिडीज में बैठ गया, मैंने जी तुम्हारे टाइम पे तो उठते थे, मैंने बोला नहीं नहीं तुम कल क्या कह रहे थे मुझे, मैंने जी दादा मैंने तो कुछ बोला नहीं,
उसने बोला नहीं 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 तुमने बहुत गालियां दी है। मैंने नहीं दादाजी मैंने तो नहीं, मैंने तो आपको देखो नमस्ते करिए। फिर दादा ने बोला चल बात तो होती रहेगी, जरा केक पैक बना। तो फिर मैंने पैक बना दिया। उस टाइम मैं जब मर्सिडीज में था तो मैंने वो खोल रखी थी वो शिवाश ना। दादाजी ने बोला नहीं 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 कच्ची लाओ। फिर मैं कच्ची लेने गया। आदत नहीं होगी ना दादा को ऐसे। अरे सुन तो ले, मैं कच्ची लेने जैसे बाहर निकला मुझे अभिषेक के पापा मिल गए। मैंने जी कहाँ जा रहे, कह रहा कच्ची लेके जा रहा। मैंने नहीं नहीं एक ही आपके पापा रखे लिटरली। मैंने कहा तेरा बैठा मेरे साथ थोड़ा एक एक पैक मांग रहे। तो उसने दे दी भाई, उन्हें फिर भी नाप की दी 30-30 के। मैंने 60-60 के दे दो अंकल जी। कह रहे नहीं चाहे बाप हो चाहे कोई हो, आपके मामले में कोई वो नहीं। मैंने ठीक अंकल। तो फिर ऐसे करके बैठ गया, एक एक पैक चलता रहा। दादा तो मुझे पता नहीं था पहली बार बैठा था। दादाजी ने एक ही सांस में घुड़क